हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। तो लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, एंड उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, करेक्ट। सो आज की क्लास में हमको क्या डिस्कशन करना था? क्वांटम नंबर्स का। क्वांटम नंबर्स में हमने कल की क्लास में कुछ लिखा था क्वांटम नंबर्स के बारे में, कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। इट गिव्स कंप्लीट एड्रेस अबाउट द इलेक्ट्रॉन। हमें कंप्लीट एड्रेस की जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्वांटम नंबर से मिलती है। क्वांटम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? चार टाइप्स के होते हैं, है ना? कल की क्लास में हमने देखा था, ये वहां तक तो सबने नोट ही किया होगा। सो क्वांटम नंबर, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नोट कर लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड फोर्थ, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये तीन जो क्वांटम नंबर्स हैं, यही तीन क्वांटम नंबर हमारे ऑर्बिटल्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है वेव मैकेनिकल क्वांटम मॉडल से, सो वेव की जो इक्वेशन आती है वो उसको सॉल्व करके ये तीन नंबर हमको मिलते हैं, है ना? तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ये तीन क्वांटम नंबर हमको मिलते हैं। फोर्थ क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए। तो अगर चारों क्वांटम नंबर की बात की जाए तो चारों क्वांटम नंबर कंप्लीट एड्रेस जो देगा, इंफॉर्मेशन देगा कंप्लीट एड्रेस की, वो किसके लिए देगा? इलेक्ट्रॉन के लिए। और अगर तीन क्वांटम नंबर पता है तो वो किसकी इंफॉर्मेशन देगा? ऑर्बिटल्स की। ये कल के लेक्चर सब लोग देखेंगे, अगर किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। कल की क्लास में जो लास्ट पैराग्राफ था उसमें हमने पढ़ा था कि जो स्टार्टिंग के तीन क्वांटम नंबर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल्स की कंप्लीट एड्रेस की इंफॉर्मेशन को। एंड अगर हम चारों क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो एक नया क्वांटम नंबर जो कि इलेक्ट्रॉन की भी इंफॉर्मेशन हमको देता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो वो किस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है? और वन बाय वन हम इनका डिस्कशन करेंगे क्वांटम नंबर्स का, ठीक है? सो फर्स्ट हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है? देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में यहां पे लिखा हुआ है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर्स। क्या इसमें नोट करना है वो मैं आगे बताऊंगा, पहले मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है? तो अभी आगे, पहले सब लोगों ने इससे पहले वाली साइड जो मैंने लिखी थी यहां तक नोट कर लीजिए। क्वांटम नंबर जो कल हमने इसमें क्वांटम नंबर में कुछ लिखा था उसके आगे, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम फर्स्ट क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर एज इट डिटरमाइन द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड ओनली ऑन एन। अब एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बोर्ड्स मॉडल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, वो हमने क्या पढ़ा था? E इज इक्वल टू, अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला लिखूं तो 13.6, दिस इज 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये पढ़ा था हमने। सो हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट अगर n है, अगर दिस इज n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, तो ऊपर जाने पे, यानी न्यूक्लियस से दूर जाने पे, ऊपर जाने का मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ कि न्यूक्लियस से दूर जाने पे, ये यहाँ का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस से दूर जाने पे एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। हमने देखा था यहाँ रखेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, अगर हाइड्रोजन ले रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट में आएगी -3.4, है ना? ऊपर जो माइनस की वैल्यू है वो क्या, माइनस के साथ अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो ओवरऑल ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, 13.6, 3.4 वो, बट माइनस साइन हमने लगाया तो क्या होता जाएगा, यानी इंक्रीज होता जा रहा है। सो मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कम हो रहा है, साइन के साथ हम देखेंगे तो ओवरऑल की अगर बात करें तो एनर्जी बढ़ती जा रही है। और ये जब एन इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? ई जीरो, ये हमने डिस्कशन किया है। सो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है किस पे, एन पे, ठीक है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसी एन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? द एवरेज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये लिखा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है? एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब यहां से ये मत कंफ्यूज होगा कोई कि ई यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, सामने माइनस का साइन लगा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो
तो माइनस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तभी हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा, एन वन है, टू है, थ्री है, फोर है, तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो यही बोल रहा है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। सो ये एन जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, शेल को। इसी सेल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एज द एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन मूविंग अवे द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइज इज डायरेक्टली, और साथ में बोल रहे हैं कि साइज भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये लाइन साइज भी ऑब्वियसली हमने पढ़ा है भाई, पहले ऑर्बिट की बात होगी तो साइज छोटा होगा, दूसरे ऑर्बिट में साइज और बड़ा हो जाएगा, तीसरे ऑर्बिट में साइज और बड़ा हो जाएगा, तो साइज जैसे जैसे एन बढ़ेगा साइज बढ़ेगा। ठीक है, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये दिखा रहा है कि हम जो एनर्जी की लेवल्स हैं, एनर्जी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डेजिनेट करते हैं के एल एम एन एटसेट्रा। और किसी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल 2n2, ये भी आपने पढ़ा है। तो ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए स्टार्टिंग में दिया हुआ है स्मॉल n से। ठीक है, अब ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अब देखिए अब यहाँ पे लिखना क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी तक तो ये हमने पढ़ा कि n को रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली हम n ये जो बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हमने पढ़ा कि शेल का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, अब तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया। जो वेल डिफाइंड पार्ट थे उसका कॉन्सेप्ट हमने बोला था खत्म हो गया, अब ऑर्बिटल्स होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड होगा। जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी उसी को हम बोल सकते हैं कि शेल हो गया, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी वो एरिया हमारा शेल हो जाएगा, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, इसमें लिख लीजिए सब लोग, इसमें लिख लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, मैं बोल देता हूँ क्योंकि लिखने में फिर मुझे भी बहुत टाइम जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में लिख रहे हैं सब लोग, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। साथ में वो लाइन लिखने के बाद यहां से नोट कर लीजिएगा, पहली लाइन ऐसे दिया हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एज इट डिटरमाइन द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल की साइज एंड एनर्जी के लिए हम इस क्वांटम नंबर का यूज कर रहे हैं, साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी। तो अभी जो आपने लिखा इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, आगे उसे मैं कंटिन्यू कर लिए कॉमा करके, एज वेल एज एनर्जी। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन में दिया हुआ था। अब उसके आगे हाँ यहां से नोट कर लिया, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एनर्जी एंड साइज, क्योंकि हम यहाँ पे बोर्ड मॉडल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हमें पता है कि वो एन पे डिपेंड करता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन ओनली ऑन एन। ठीक है, बस उसके आगे अगली लाइन ही नोट करनी है। उसके बाद यहां से नोट करना है, द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहां तक अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद आगे तो नोट करना ही है आपको, द प्रिंसिपल कैन अज्यूम पॉजिटिव इंटीग्रिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के एल। ठीक है, हाँ आगे का पूरा ही नोट कर लीजिए, फिर यहां से द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स से लेके ये टेबल तक, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2n² इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पहले यहां तक सब लोग नोट कर लीजिए क्या क्या मैंने बताया, जो एक लाइन मैंने लिखाई थी वो, उसके बाद ये हाइड्रोजन से लेके एन तक जो पहला मैंने मार्क किया है ये ब्रैकेट के फॉर्म में, देन सेकेंड ब्रैकेट मैंने यहां से स्टार्ट किया है द से लेके इस पॉइंट से लेके दो सेकंड, पहला ब्रैकेट आपको ऊपर दिख रहा है फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे है द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद ये पूरा ही पैरा यहाँ लास्ट तक नोट करना है। ठीक है, सो एन एन जो होता है ना, जो हमने पढ़ रखा है के एल, देखो ये नीचे जो फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है इससे मैं आपको समझाऊंगा, अगर तो ये लिखा हुआ है सेल्स, यहाँ लिखा है के एल एम एन, तो
तो K11 जो है वही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अब K11 हम पढ़ते हैं कि शेल को रिप्रेजेंट करता है, यही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो n की वैल्यू 1 यानी फर्स्ट शेल, n की वैल्यू 2 सेकेंड शेल, n की वैल्यू 3 थर्ड शेल, n की वैल्यू 4 फोर्थ शेल। तो ये है n, और यही स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी सबसे पहले जो पहला क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है कि शेल कौन सी होगी। ठीक है, यहां तक तो नोट कर लिया सबने, नोट कर लीजिए। तब तक मैं इसको रख करके आपको एक चीज यहां पे समझाता हूँ। देखो सब लोग बोर्ड पे, अभी मैं आपको ये लास्ट में बताने वाला था, लेकिन फिर मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कंफ्यूज होने वाले हैं, तो मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर इस पॉइंट पे नहीं समझ में आता है, तो जब चारों क्वांटम नंबर खत्म हो जाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, हो सकता है आज की क्लास में चारों क्वांटम नंबर ना खत्म हो पाए, तो आप लोग फिर ये इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद मैसेज मत भेजिएगा कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार जब चारों क्वांटम नंबर, हो सकता है कल आज तो नहीं खत्म होगा लेकिन कल की क्लास में खत्म हो जाएगा, तो जब कल की क्लास में चारों क्वांटम नंबर खत्म हो जाएंगे, तब उसके बाद जब हम सारी चीजें पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तब आपको क्लियर होगा कि हाँ क्या था। ठीक है, तो हो सकता है फर्स्ट क्वांटम नंबर के साथ में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाए, तो आज के अगर नहीं भी समझ आ रहा लेक्चर के बाद, तो कल के लेक्चर के बाद सबको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहले सुनते हैं। देखो हम बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेल का मतलब क्या? ऑर्बिट, यही तो बोल रहे हैं, नीचे KLMN लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना मुझे, कोई मुझे फिर दोबारा नहीं बोलेगा कि सर मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें कुछ टफ नहीं है, मैं सिंपल सी चीजें उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये होती है शेल। शेल अगर बोला जाए, शेल क्या होता है, किसी भी बच्चे से पूछा जाए तो बता देगा शेल या ऑर्बिट क्या होता है, तो बता देगा कि न्यूक्लियस के सराउंड में जो हमारा एक सर्कुलर पाथ होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन घूमता है। ऑर्बिटल बोले तो ऑर्बिटल में क्या है, ऑर्बिटल हमें समझ आ रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन की मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का जो एरिया होता है वही क्या होता है, ऑर्बिटल। तो 3D स्पेस में वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, अगर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, मैक्सिमम है किसमें, किसी स्फेरिकल शेप में, तो वही हमारा कैसा हो जाएगा, ऑर्बिटल। और इस ऑर्बिटल का शेप कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल। तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है किसी वॉल्यूम में, वो हमेशा कैसा हो, स्फेरिकल हो, किसी भी डिफरेंट शेप का हो सकता है। समझ में आ रहा है, कल जैसे हमने पढ़ा था डंबल से, तो ये ऑर्बिटल हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इस चीज के साथ इस क्वांटम नंबर को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एक्चुअल में कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल का, लेकिन इसको हम कनेक्ट करके शेल के साथ चल रहे हैं, हम कनेक्ट करके चल रहे हैं, समझ रहे हो। हम ये नहीं बोल रहे कि शेल है, लेकिन हम शेल के साथ कनेक्ट करके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारे लिए समझना ईजी हो जाएगा, अगर मैं शेल के साथ कनेक्ट करके चलूंगा, क्योंकि शेल हर कोई इंसान एज्यूम कर सकता है कि हाँ शेल है, मतलब उसके सराउंड में एक सर्कुलर पाथ है, तो ये समझना ही है। इसके लिए इस चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सारे क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन ऑर्बिटल की देते हैं, लेकिन उसको हम समझते विद द हेल्प ऑफ शेल के रिस्पेक्ट में, ताकि चीजें जो है वो हमारे लिए थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो यही चीज देखो, पहली लाइन देखो, सब कंफ्यूज होंगे इसमें, कि पहली लाइन में लिखा है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर एज इट डिटरमाइन द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल की साइज एंड एनर्जी बताता है, तो फिर इसमें शेल कहां से आ गई? शेल तो सर्कुलर पाथ फिक्स होता है, और नीचे यही चीज बोल रहा है कि एन किसको रिप्रेजेंट करता है। देखो जैसे एग्जांपल में बात करें, एन यहाँ पे लिखा है 1 2, ये शेल को रिप्रेजेंट करता है, तो यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सब कंफ्यूज होगी कि सर यहाँ पे शेल की भी बात हो रही है, यहाँ पे ऑर्बिटल की भी बात हो रही है, लेकिन ऑर्बिटल तो जरूरी नहीं है कि हमारे स्फेरिकल हो, कल हमने पढ़ा था कि ऑर्बिटल डंबल शेप हो सकता है, और भी डिफरेंट शेप होते हैं, उसके बारे में तो हमने डिस्कशन ही नहीं किया है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि शेल भी है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल के साइज को भी बताता है, तो एक्चुअल चीज है ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। देखो अगर मैं दो स्फेरिकल, दो डंबल शेल वाले ऑर्बिटल्स की बात करूं, तो ये हो सकता है कि छोटा वाला n इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बड़ा वाला n इज इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। स्फेरिकल ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, तो ऐसे मैं दो बड़े साइज बना सकता हूं, हो सकता है छोटा वाला n इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा हो, बड़ा वाला n इज इक्वल टू 2 को। n जैसे जैसे चेंज होगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल चेंज होंगे, तो ऑर्बिटल की जो साइज है, सॉरी शेप नहीं साइज,
तो जो साइज है, ये लिखा है पहली लाइन में साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, तो एन चेंज होने पे ये ऑर्बिटल्स की साइज की इंफॉर्मेशन हमको मिलती है. तो एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये साइज हमें बताता है किसका, ऑर्बिटल का. बट इसको हम सेल से कनेक्ट करके चल रहे हैं ताकि आपके लिए समझना इजी हो. तो एन इज इक्वल टू वन, तो इसी में आप समझ लीजिए कि मान लो यहाँ पे छोटा सा ऐसा डंबल बना है, तो ये पहला शेल के लिए हो गया. फिर एन इज इक्वल टू टू, दो सर्कुलर पाथ हम दिखा रहे हैं उसके लिए मान लो ये दूसरा डंबल हो गया, तो दोनों का साइज अलग अलग हो जाएगा ऑर्बिटल्स का. तो एक्चुअल में ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसे तीसरा हो जाएगा. ठीक है, तो हम शेल से कनेक्ट करके चलेंगे. मैं आपको वही बोल रहा हूँ, अगर थोड़ी सी अभी भी कंफ्यूजन है तो जब चारों पॉइंट खत्म हो जाएंगे क्वांटम नंबर तब हमको क्लियर हो जाएगा. तो एक्चुअल मैं बोलूंगा ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्वांटम नंबर किसकी देते हैं, ऑर्बिटल्स की. कल की भी क्लास में हमने पढ़ा था एक्चुअल इंफॉर्मेशन ये ऑर्बिटल्स की देते हैं, लेकिन मैं इसको सेल से कनेक्ट करके चल रहा हूँ ताकि आपके लिए समझना इजी हो. ठीक है, क्लियर है सबको, नोट कर लिया सबने ये पहला पॉइंट. ठीक है, यहां तक के एल एम एन तक. एक चीज और मैं इसमें बता देता हूँ, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, ये मैं बस आपको बता रहा था कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि सर सेल और ऑर्बिटल दोनों की यहाँ पे बात कैसे कर रहा है. तो हम सेल से कनेक्ट करके चलेंगे ताकि आपके लिए समझना इजी हो और बात, लेकिन एक्चुअल में हम ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं. ठीक है, अब देखो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये वाली एनर्जी वाली जो इक्वेशन लिखी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यहां तक नोट कर लिया के एल एम एन तक सबने, उसके आगे ही लिख लीजिएगा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, या एन का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं. अगर एन के स्क्वायर में हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब बोट्स मॉडल अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कितना माइनस एक 13.6 को अगर मैं के बोल दूं कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर नीचे है सामने माइनस है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस भी आ जाएगा. तो एनर्जी एन पे डिपेंड करेगी, जैसे जैसे एन बढ़ेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल का नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो शेल का नंबर, लेकिन ये लिखना है क्वेश्चन करते टाइम भी आपको ये मिलेगा कि शेल शेल बोला जाएगा कि शेल नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात हो रही है. ठीक है, तो वो पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, शेल नंबर मतलब एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है शेल नंबर को जो हम पढ़ते थे के एल एम एन, ये पॉइंट याद रखना है. साथ में पहली लाइन याद रखनी है कि साइज एंड एनर्जी बताता है किसकी, ऑर्बिटल्स की. ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड सेकेंड क्वांटम नंबर पे. सेकेंड क्वांटम नंबर है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, स्मॉल एल के साथ. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज रिप्रेजेंट, सब लोग हेडिंग डाल लीजिए एजीमुथल क्वांटम नंबर. हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से. ठीक है, तो इसको अब आगे इसमें पढ़ते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज, आप ब्रैकेट में भी लिख लीजिए इसी के नाम में ऑर्बिटल, या फिर ये लाइन नोट कर लीजिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर. दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड डिफाइन थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल. पहले आप यहां तक पूरा नोट कर लीजिए. गिव द सबशेल ऑफ सबशेल इन विद द इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ द शेल यहां लोकेटेड तक. पहले आप यहां तक नोट कर लो सब लोग, वीडियो पॉज करो, ऐसे मतलब क्वांटम नंबर में यहां तक नोट करो. ठीक है, यहां तक नोट करके अब आगे देखिए दिया है द नंबर ऑफ सबशेल विद इन प्रिंसिपल डिटरमाइंड बाय वैल्यू ऑफ एन. ठीक है, ये मैं बता दूंगा वैल्यू ऑफ एन से हम इसको कैसे निकालते हैं. क्लियर, तो यहां तक नोट कर लो. अब देखो फिर से मैं वैसे दो शेप बनाऊं, दो डिफरेंट मैं बोल रहा हूँ, ये पार्ट जो है ये टेबल मैं लास्ट में चारों क्वांटम नंबर पढ़ाने के बाद फिर बना के लिखवा दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. बट जब मैं सेल्स, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये किसकी देता है, ऑर्बिटल्स की, लेकिन हम सेल से कनेक्ट करके चल रहे हैं. तो देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बताता है क्या, एन. ये मान लो कोई भी मेरा थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड शेल. एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है अबाउट द सबशेल. देखो ये जहां तक मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है उसके ऊपर की लाइन, द वैल्यू ऑफ एल गिव द सब लेवल और सबशेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड. तो इलेक्ट्रॉन किसी लेवल यानी किसी शेल में फिक्स ना होके डिफरेंट सबशेल्स
और ये अब एक शेल के अंदर कुछ सब शेल्स होंगी, शेल के अंदर सब शेल की बात हो रहा है मतलब शेल के अंदर ही होगा। सो शेल के अंदर कुछ सब शेल्स होती हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमको कौन देता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन जो है मान लो n इज इक्वल टू 3 में कुछ पांच इलेक्ट्रॉन है, तो ये पांच इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 5 में तो है, लेकिन उसकी कुछ सबशेल है उसमें अलग अलग हो गए। कुछ हो सकते हैं इस वाली सबशेल में प्रेजेंट हो, मान लो दो इलेक्ट्रॉन इस सबशेल में है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो दो इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये हो गया कि सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर कोई पूछे ये पांचों इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में प्रेजेंट है, मैं बोलूंगा थर्ड, लेकिन थर्ड शेल के अंदर भी कुछ सबशेल होती है। हम क्या निकाल रहे हैं? इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं कंप्लीट एड्रेस की। कल मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया था। तो शेल के अंदर सबशेल है, वहां पे कौन इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में प्रेजेंट है उसकी इंफॉर्मेशन देगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। लेकिन ये एक्चुअल क्या बता रहा है? एक्चुअल तो हम ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो पहला हमने पढ़ा था साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। सेकेंड बता रहा है शेप ऑफ ऑर्बिटल, जो हम बात कर रहे थे कि कुछ कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे ऑर्बिटल्स, कुछ कैसे होंगे डम्बल शेप में होते हैं, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कुछ कैसे होते हैं हमारे डबल डम्बल शेप में ऑर्बिटल्स होते हैं। सो शेप ये देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है, पहले तो ये नाम ही है इसके, ये नाम आपको याद होने चाहिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। क्वेश्चन में कुछ भी वर्ड से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, चाहे वो एजीमुथल क्वांटम नंबर लिख देगा या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ये तीनों इसके डिफरेंट नाम है। एंगुलर मोमेंटम इसलिए क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का डिफाइन करता है। देखो उसके आगे लिखा हुआ है एंड डिफाइन द थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो शेप जो सेकेंड है, पहला हमें बताता है साइज क्या होगा ऑर्बिटल का, एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल के, ऑर्बिटल के शेप्स क्या होंगे, ठीक है, ऑर्बिटल के शेप्स क्या होंगे। लेकिन जब सेल से मैं कनेक्ट करके देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन बताता है शेल के बारे में, जिसको मैं बोलता हूं फर्स्ट, सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर मुझे बताता है कि शेल के अंदर कितनी सबशेल है। तो सबशेल में ये शेल के अंदर कुछ सबशेल होती हैं, उन सबशेल की इंफॉर्मेशन मुझे देता है कौन? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लिया, उसके आगे ये जो लाइन लिखी हुई है वो मैं आपको दिखा, अब उसके आगे ठीक है, अगली लाइन में, यहां तक तो वो हो गया उसका डेफिनेशन वाला पार्ट, अगली लाइन में यहां से नोट करिए। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल कैन हैव वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1। नोट करिए सब लोग ये, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल कैन हैव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1। अगली लाइन भी नोट करनी है उसमें, ये इसको पॉइंट वाइज नोट करिए, ये फर्स्ट पॉइंट एजीमुथल क्वांटम नंबर में पहले यहां ब्रैकेट तक पूरा नोट करिए, फिर उसके नीचे अगली लाइन से फर्स्ट पॉइंट डाल के, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल एन कैन हैव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1, सेकेंड पॉइंट डाल के नोट करिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर छोटा सा, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे द से सेकेंड पॉइंट, द नंबर ऑफ सब शेल इन अ प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ अगले स्लाइड में। तो यहाँ तक सब लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, दो पॉइंट्स और भी इसमें पॉइंट्स हैं, सेकेंड पॉइंट के आगे मैं एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। देखो n की, l की जो वैल्यू है वो वेरी करती है 0 टू n माइनस 1। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं, हमने लिया n कितना 1, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 टू n माइनस 1, 1 माइनस 1 रखूंगा 0 यानी l 0, जब मैं रखूंगा n कितना 2, सो l विल बी 0 1, जब मैं रखूंगा n 3, सो एल विल बी 0 1 2। ये समझ में आ रहा है सबको कहां से आ रहा है? एन माइनस 1, एन की जगह आप 2 रखो तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1, तो एल 0 टू 1 तक वेरी करेगा यानी 0 एन 1, एन की वैल्यू 3 तो एल की वैल्यू 0 1 2। सो एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? सबशेल्स की इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ सबशेल। तो एक शेल है, पहले शेल की बात हो रही है तो कितनी सबशेल है? एक। दो शेल की बात हो रही है तो कितनी सबशेल है? दो। तीन शेल की बात हो रही है n3 तो कितनी सबशेल है? तीन। इसी तरह n की वैल्यू अगर मैं डालूंगा 4 तो l की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? 0 1 2 3। यही ऊपर वाली दो लाइन है, पहली लाइन देखो जो मैंने अभी 1 एंड सेकंड पॉइंट करके लिखवाया है, और भी इसमें पॉइंट अभी मैं आगे लिखवाने हैं। फर्स्ट पॉइंट
फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल कैन हैव रेंज फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1, ये पॉइंट। एन नंबर ऑफ सबशेल एल इज अ प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन, तो एल और एन हमेशा इक्वल होंगे, वही वही चीज चीज उसने उसने नीचे नीचे रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करके करके बताई बताई है, है, ठीक ठीक है, है, जो जो मैंने मैंने आपको आपको यहाँ यहाँ से से एग्जांपल एग्जांपल में, में, जितना जितना एन एन उतना उतना एल, एल, तो तो जितनी जितनी शेल शेल उतनी उतनी सबशेल। सबशेल। मतलब मतलब मैं मैं ये ये बोलूं बोलूं कि कि अगर अगर मैं मैं यहाँ यहाँ पे पे बड़ा बड़ा सा सा सर्कल सर्कल बनाता बनाता हूँ, हूँ, मान मान लो लो ये ये एन एन इज इज इक्वल इक्वल टू टू वन वन है, है, पहली पहली शेल, शेल, तो तो इसके इसके अंदर अंदर एक एक सबसेल सबसेल है, है, फिर फिर ये ये एन एन इज इज इक्वल इक्वल टू, टू, हम हम दिखा दिखा रहे रहे हैं हैं सेकेंड सेकेंड सेल, सेल, दूसरी दूसरी सेल, सेल, तो तो इसके इसके अंदर अंदर कितनी कितनी सबसेल सबसेल होंगी, होंगी, दो दो सबसेल, सबसेल, फिर फिर एन एन इज इज इक्वल इक्वल टू टू 3, थ्री, इसके इसके अंदर अंदर कितनी कितनी सबसेल सबसेल होंगी, होंगी, 3 3 सबसेल। सबसेल। अब अब ये ये चीज चीज समझना समझना थोड़ा थोड़ा इजी इजी हो हो रहा रहा है है हमको हमको कि कि शेल शेल है, है, शेल शेल के के अंदर अंदर सबसेल सबसेल है, है, तो तो इसलिए इसलिए हम हम इसको इसको सेल सेल एंड एंड सबसेल सबसेल के के साथ साथ लेके लेके कनेक्ट कनेक्ट करके करके चल चल रहे रहे हैं। हैं। बट बट एक्चुअल एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन ही ही ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स के के रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट में में बात बात हो हो रही रही है, है, जहाँ जहाँ पे पे ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स की की शेप शेप की की इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन देता देता है, है, ठीक ठीक है, है, उसके उसके बारे बारे में में अभी अभी आगे आगे डिस्कस। डिस्कस। तो तो अभी अभी ये ये पॉइंट पॉइंट समझ समझ में में आया आया कि कि एक एक शेल शेल में में एक एक सबशेल, सबशेल, दूसरी दूसरी शेल शेल में में दो दो सबशेल, सबशेल, तीसरी तीसरी शेल शेल में में तीन तीन सबशेल, सबशेल, फोर्थ फोर्थ शेल शेल की की बात बात होगी होगी तो तो चार चार सबशेल, सबशेल, तो तो जितने जितने एन एन उतने उतने एल, एल, क्लियर क्लियर है? है? चलिए, चलिए, यहाँ यहाँ तक तक नोट नोट कर कर लीजिए लीजिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल डाल डाल के। के। उसके उसके बाद बाद थर्ड थर्ड पॉइंट, पॉइंट, सेकेंड सेकेंड पॉइंट पॉइंट के के बाद बाद थर्ड थर्ड पॉइंट, पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट, ये नीचे दिख रहा है आपको, यहां से नोट करना है। ईच सब लेवल और सब शेल इज असाइंड एन एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग सिंबल्स। एल 0, 1, 2, 3, 4, एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 आएगी, तो सब शेल को किससे साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? एस पी डी एफ जी एच, ठीक है, ये यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है। सो इसके आगे यहाँ तक नोट करके उसके आगे मैं कुछ और बताता हूँ आपको, एक मिनट मैं चेक कर लूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया सबने, देखिए ये जो आपने, मैं इस पे एक पेज ऐड करता हूँ, वैल्यूज ऑफ एल आपने अभी लिखा, वैल्यूज ऑफ एल वो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, जो आपने लिखा है उसी के आगे आपको बता रहा हूं, वैल्यूज ऑफ एल जो आपने लिखा 0, 1, 2, फिर उसके नीचे डेजिनेशन ऑफ सबशेल्स, करेक्ट ये लिखा था, ये वाला जो लास्ट में आपने नोट किया, वैल्यू ऑफ एल 0, 1, 2, 3, 4, 5, डेजिनेशन ऑफ सबशेल, यानी सबशेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन। एल की वैल्यू 0 तो सबशेल दिखाएंगे हम एस, L की वैल्यू 1 तो सबशेल दिखाएंगे P, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, L की वैल्यू 2 तो सबशेल दिखाएंगे D, L की वैल्यू 3 तो सबशेल दिखाएंगे F, तो उसी चीज को आगे मैं लिख रहा हूँ, डेजिनेशन ऑफ सबशेल जो आपने अभी लिखा है मैं उसी को बस यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, S P D F वैल्यूज ऑफ, जनरली आपको केवल यही चार यूज होंगे, क्योंकि अभी तक जितने हमें एलिमेंट्स मिले हैं उसके रिस्पेक्ट में हमको एफ तक ही इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो उसके आगे का उतना नीड नहीं है। अब ये हमको आगे नहीं दिया हुआ था, तो मैं आपको उसी टेबल में जो अभी छोटी सी अपनी टेबल बनाई थी उसी में लिख रहा हूँ, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, या ये जो शेप ऑफ सबशेल्स बोल सकते हैं, हालांकि हम बात कर रहे हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो ये सबशेल एस, एस कैसा होगा इसी में, इसी टेबल में नोट कर लीजिए, स्फेरिकल, थोड़ा स्पेस दे देके, ठीक है, मेरे पास तो उतना है नहीं, ये हो जाएगा डंबल, डंबल डी के लिए हम यूज करते हैं शेप, थर्ड में डबल डंबल, नोट कर लीजिएगा सब लोग, इंपॉर्टेंट है ये, अभी हम आगे देखेंगे उसमें कौन कौन से आएंगे, डबल डंबल। एंड एफ का जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स, मैं नीचे बनाऊं अगर यहाँ पे, ये हो गया स्फेरिकल। अब ये तो हम दिखा क्या रहे हैं, दिखा तो हम 2D में रहे हैं, तो एक सर्कल ही दिखा सकते हैं, बट स्फेरिकल का मतलब हम 3D में बात कर रहे हैं, अगेन डम्बल का मतलब भी हम 3D में बात कर रहे हैं। सो
डंबल के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आप चाहे तो थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। ये कोई एक्सिस मैं दिखा दूंगा, सॉरी, तो डंबल के लिए डंबल मैंने बनाया था, वैसे ही बना लीजिए सब लोग। आ ही नहीं रहे, करेक्ट, बना लेंगे सब। लाइन नहीं खींचता हूँ, इस बार सीधा बना देता हूँ। दिस इज डंबल, ये मैंने दिखा दिया मान लो वाई एक्सिस, ये मान लो मेरी है एक्स एक्सिस जो इससे पास करेगी सेंटर से। फिर उसके बाद डबल डंबल में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन के होंगे लेकिन आप नॉर्मल बना सकते हैं। मैंने डबल डंबल रख दिया एक, तो दो डंबल रखे हुए हैं। डबल डंबल का मतलब दो डंबल है, एक मान लो ऐसे रखा हुआ, एक ऐसे रखा हुआ है डायगोनली, तो डबल डंबल। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ये जो होता है इसमें क्या होता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, तो उसका स्ट्रक्चर हम नहीं दिखा रहे हैं। तो अभी आप इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एट फोल्ड स्ट्रक्चर। एट फोल्ड स्ट्रक्चर का मतलब है एट फोल्ड स्ट्रक्चर। एट फोल्ड स्ट्रक्चर का मतलब है, जैसे देखो ये डंबल में कितने लोब बन रहे, इसको बोलते हैं लोब, जो एक हम एक साइड दिखा रहे हैं थोड़ा सर्कुलर जो भी है, तो ये हमारा लोब है। तो इसमें कितने लोब्स हैं, दो। इसमें कितने लोब हैं, चार। डबल डंबल में, डबल डंबल में चार लोब हैं, जो सिंगल डंबल हमने दिखा है दो लोब है। तो वैसे एट फोल्ड का मतलब है उसमें कितने लोब्स बनेंगे, एट बनेंगे, मतलब उसमें चार डंबल आप रख दो, ऐसा है ना। तो एट फोल्ड स्ट्रक्चर है ये। इसको नॉर्मली एट लिखो, नहीं तो तुम लोग वही डायग्राम ही बना दोगे, सोचोगे ये डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम नहीं, ये लिखा हुआ है एट फोल्ड स्ट्रक्चर, समझ गया सारे, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 F बस इतना ही तक आपको यूज होने वाला है, हालांकि स्फेरिकल डंबल डबल डंबल तक ही हम यूज भी करते हैं, कॉम्प्लेक्स के आगे बात है। और उसके आगे F G H आगे जाएंगे आप, जैसा आपको इसे टेबल में दिया हुआ है G H, तो वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे, तो उसका डिस्कशन हमें नहीं करना है। सो ये हो गया शेप, डेजिनेशन ऑफ सबशेल, L की वैल्यू क्या है, किस सबशेल को रिप्रेजेंट करेगी, एस पी डी एफ वो आपको याद रखना है, साथ में आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है वो। अब इस शेप में और डिफरेंट ओरिएंटेशन होते हैं वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। यहां तक हो गया सबका, चलिए। तो अब एजीमुथल क्वांटम नंबर में अगर मैं बोल रहा हूं एन की वैल्यू, मैं लिख रहा हूं 1, एल की वैल्यू 0, ठीक है। एन की वैल्यू मान लो मैंने लिखी है 3, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो बताना है सबको। दिस इज 3, दिस इज 2, एन की वैल्यू लिखी हुई है 4, एल की वैल्यू लिखी है 3। देन एन की वैल्यू 6, एल की वैल्यू 4। इधर रिप्रेजेंटेशन या डेजिनेशन जो भी हम बोले या नोटेशन बोल सकते हैं, मैं लिख देता हूँ नोटेशन, ये ऐसे एग्जाम्पल उसी में आगे सब पॉइंट ऐड करके लिखते जाइए बस, सीधा नोटेशन कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो देखिए N1L0, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, एन का मतलब 1 एंड 0 का मतलब S, तो 1S इसके साथ हम लिखेंगे इसको 1S। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1S। एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2, तो एन जो होता है प्रिंसिपल सेल नंबर, और एल रिप्रेजेंट कर रहा है सब सेल, ये सेल है, एन सेल है, एल सब सेल है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे एन, एल 2 है, 2 किसके लिए आता है, 2 किसके लिए आता है, डी के लिए आता है ना, ये 2 लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है क्या, रफ कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। सो ये पॉइंट है 2, तो 2 आता है डी के लिए, एल 0 के लिए एस, एल 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3D को, तो हम लिखेंगे 3D। एन 4 एल 3, तो हम लिखेंगे 4, एल 3 की बात हो रही, तो एस पी डी एफ 4F। एन 6 एल 4 है ना, तो कहाँ चला जाएगा, एस पी डी एफ जी, हालांकि जी यूज नहीं होता है बट मैं नोटेशन के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ। अभी हम देखेंगे क्यों नहीं जी आएगा वो सब,
एन मान लो 5, एल की वैल्यू 2, तो क्या लिखा जाएगा 5 डी। रोटेशन फॉर्म में आ रहा है तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 1f 3d 4f। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि n और l जो अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किस सबशेल को किस। तो ये जो पहला वर्ड लिखा हुआ है 1 3 4, इधर देखिए नोटेशन में जो पहला वर्ड लिखा है 1 3 4, ये रिप्रेजेंट कर रहा है शेल को। जो सेकंड लेटर लिखा हुआ है एस डी एफ जी, ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है सबशेल को। तो अगर ये कहीं भी लिखा हुआ है दोनों चीजें दे सकता है। अगर आपको ये दे दिया एन थ्री एल टू, ये किस को किस सेल और सबशेल को, नोटेशन क्या होगा इसका, तो हम बताएंगे 3d। या फिर उल्टा पूछ सकता है कि अगर 3d दिया हुआ है तो ये किस सेल किस सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम उसके लिए लिखेंगे एन इज इक्वल टू 3 एंड एल इज इक्वल टू 2। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए। तो यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, समझ गए सारे। कुछ भी अगर आपको क्वांटम नंबर्स में अभी डाउट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आज की क्लास के बाद कोई भी मुझे क्या करेगा, क्वेश्चन नहीं भेजेगा। जब पूरा क्वांटम नंबर खत्म हो जाएगा, अपने आप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, चारों क्वांटम नंबर जब हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, अभी थोड़े डाउट्स हो सकते हैं तो वो अभी के लिए आप उनको रहने दीजिए। उसके बाद अगर चारों क्वांटम नंबर क्लास खत्म होने के बाद, जब हम चारों क्वांटम नंबर फिनिश कर लेंगे, उसके बाद अगर किसी को डाउट रहता है तो फिर वो पूछ सकता है। अब इसके आगे इसी क्वांटम नंबर में हम बात करते हैं। यहाँ नोटेशन तक लिख लिया सबने, नेक्स्ट पॉइंट जो भी है पॉइंट वाइज करके हम लिख रहे थे, सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो भी फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी पॉइंट है वो पॉइंट डाल के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ये एच अपॉन 2 पाई जो है ये अंडर रूट के अंदर नहीं है। ठीक है, सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। एल की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में दी जाएगी, अगर ये पूछा जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, एक फॉर्मूले की तरह है। देन नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ गिवन सबशेल। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ गिवन सबशेल इज इक्वल टू 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 एल प्लस 1। ऐसे हमने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फॉर्मूला पढ़ा था फॉर अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर एन दिया है, इधर साइड में लिख रहा हूं मैं, तो हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला 2n² याद है सबको, एन की वैल्यू 1 2 3 डाल के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। उसी तरह किसी गिवन सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 2l + 1। एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल रहा हूँ L2 सेकेंड सबशेल के, अब सेकेंड सबशेल किसी की भी हो सकती है, किसी की भी मतलब N1 की तो आएगी नहीं, N2 की तो आएगी नहीं, N3 की आएगी, L2 किस में आएगा? अगर मैं फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए तो L0 ही होता है ना, तो 2 तो मिल ही नहीं सकता। अगर मैं सेकेंड सेल की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए L की वैल्यू क्या पढ़ते हैं, 0 एंड 1, तो 2 नहीं मिल सकता। तो N3 में आएगा, थर्ड शेल में 2 आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, तो L2 के लिए बात करते हैं, L2 के लिए आप फॉर्मूला लगाइए तो कितना आ जाएगा। तो L2 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 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 एल प्लस 1। तो फॉर्मूले में रख देंगे 2, हो जाएगा 2 2 4 + 1 5, 5 2 10 10। ठीक है, ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया मान लीजिए। अब मैं किसी सेल में निकालता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरा ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं आगे, सेकेंड सेकेंड एग्जाम्पल की, फॉर मैं एन इज इक्वल टू 3 में, एन इज इक्वल टू 3 में चेक करता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन उस फॉर्मूले से भी आने चाहिए। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, n 3 है तो 2 × 9 विच इज इक्वल टू 18। ये सबने पढ़ रखा है कि थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में 18। अब मैं इसको n l के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो n 3 सॉरी l की वैल्यू 0, तीन वैल्यूज होंगी l की, 1, l की वैल्यू 2। रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन क्या होगा, ये s पहला 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर मैं लिख दूं तो s सब शेल मैं ही लिखूंगा, दिस विल रिप्रेजेंट p सब शेल, ऊपर वाला जो हमारा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है s सब शेल को, दिस इज s सब शेल एंड द नेक्स्ट वन d सब शेल, तो s p d तीन सब शेल प्रेजेंट होंगी किसमें, वैसे भी हमने पढ़ा है जितने नंबर शेल उतने सब शेल, तो थर्ड शेल की बात हो रही है n 3 तो उसमें तीन सब शेल होंगी L0, L1 एंड L2। अब इन सब के लिए मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं फॉर्मूले से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मूला लगाऊंगा 2L+1। तो इसके लिए कितना आ जाएगा पहले वाले के लिए बताइए, फॉर्मूले में रखेंगे L की वैल्यू 0, तो L की वैल्यू पहले वाले के लिए रखूंगा मैं 0, तो 2L 0 हो जाएगा, तो 2 × 1 सीधा आ जाएगा 2। उसी तरह सिमिलरली यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, P के L की जगह 1 रखना है तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 2+1 3, 2 × 6 एंड थर्ड वाले के लिए कितना आ जाएगा 10। ठीक है, ये शायद आपको दिखे ना यहाँ पे, ठीक है तो उसको देख मतलब 10 लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ ऊपर ऊपर जो लिखा वही लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 2L+1 सेम चीज नीचे, बट ऊपर आएगा 2 सबसे पहले में, L0 में 2, L1 में 6 एंड 2 में 10। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो तीनों का एडिशन कितना आ जाएगा 18, और ऊपर हमने देखा फॉर n इज इक्वल टू 3 18 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अब इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अब देखो मैं यहीं पे बनाऊं, तो अब मैं बोलूं कि ये मेरा n इज इक्वल टू 3 है, ये मेरा थर्ड शेल है, फिर मैंने ये पढ़ा कि थर्ड शेल में मेरे पास तीन सब शेल होंगी। अब अगर ये तीन सब शेल हैं तो n इज इक्वल टू थर्ड में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, बट ये 18 इलेक्ट्रॉन अलग अलग सब शेल में होते हैं, जिसमें हमने ये देखा कि तीन सब शेल होंगी SPD, जिसमें से एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 और एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। तो ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ये सारे 18 इलेक्ट्रॉन एक ही सब शेल में नहीं है, तो उस सेल के अंदर कई सब शेल्स होती हैं और उन सब शेल में इलेक्ट्रॉन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इन सब शेल्स में ये 10 जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं ये सब शेल पूरी बना दूं, मतलब ये समझ आ रहा है ना सबको, अब हमें थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है कि शेल में जो टोटल 18 थे उन 18 इलेक्ट्रॉन को भी मैं अलग अलग सेपरेट कर सकता हूँ। मुझे पूछा गया कि इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को, आपसे बोला गया कि इन 18 इलेक्ट्रॉन्स में आपको 2 इलेक्ट्रॉन को सेपरेट आउट करना है, कैसे करोगे, तो मुझे पता ही नहीं मैं कैसे करूंगा, जब तक मुझे ये नहीं पता कि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कैसे होंगे, बट मुझे अब सब शेल पता चल गई है तो मैं बता सकता हूँ कि एक एस में होगा, एक पी में है, एक डी में है ना, अब मान लो वो सेम वाले में, तो इसी तरह हमको चारों क्वांटम नंबर तक पहुंचना है ताकि हम हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग इंफॉर्मेशन निकाल सके। तो अभी हम पहले हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर हमने देखा एजीमुथल क्वांटम नंबर जो शेल के अंदर सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा और हर सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम बात करेंगे किसकी, थर्ड क्वांटम नंबर की, जो कि हमारा क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये पहले दो सबको क्लियर है, स्पिन क्वांटम, सॉरी स्पिन बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज सेकेंड वन एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसी सेकेंड वन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, हमारे दो क्वांटम नंबर बचे हैं लास्ट के, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, और आज हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है बच्चों, तो इन दोनों को रिवाइज कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में बाकी दो पढ़ के फिर हम आगे के क्वेश्चंस को उन पे करेंगे। क्लियर सबको, चलिए फिर, थैंक यू।